दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के एक और मंत्री को आने वाले दिनों में दिल्ली एसीबी पूछताछ के लिए तलब कर सकती है। अब दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मंत्री सत्येंद्र जैन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। बीजेपी के विधायक ओम प्रकाश शर्मा ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ आज एसीबी को शिकायत सौंपी। ओम प्रकाश शर्मा का आरोप है कि दिल्ली में बीआरडी कॉरिडोर को तोड़ने में करीब 15 करोड़ का नुकसान हुआ। शीला सरकार के समय 2008 में 150 करोड़ की लागत से बीआरटी कॉरिडोर बनाया गया था। केजरीवाल सरकार ने इस कॉरिडोर को तोड़ने का आदेश दिया। ओपी शर्मा का आरोप है कि इस कॉरिडोर को तोड़ने के लिए दिए गए टेंडर में घोटाला हुआ है। अमूमन दिल्ली में देश में जब भी कोई मकान डिसमेंटल होता है तो उसमें जो मेटेरियल लोहा और जो दुनिया भर की जो चीजें स्टील होता है तो उसके बदले में डिसमेंटल करने वाला कुछ पैसा मकान मालिक को देता है। लेकिन यह मामला उल्टा है, जो डिसमेंटल कर रहा है और सामान ले जा रहा है वो कुछ पैसा सरकार को दे, इसकी बजाय सरकार उसको 11 पॉइंट समथिंग करोड़ रुपया दे रही है, जो कि इनकी कैबिनेट ने जिसको पास किया है। तो दिल्ली में जिस तरीके से आज आकंठ भ्रष्टाचार में केजरीवाल जी और केजरीवाल जी की टीम डूबी हुई है, ये घोटाला जिसमें 15 करोड़ रुपये का जो सरकार का दिल्ली की जनता का खून पसीने का जो पैसा है उसका मिसयूज किया गया है। और हमें एसीबी प्रमुख मीणा साहब ने ये कहा है कि वो मामले की जांच करेंगे और जांच करके जो भी इसमें न्याय संगत होगा वो किया जाएगा। बीआरटी कॉरिडोर जो बना था उसके बारे में जो डिसीजन लिया था दिल्ली सरकार ने उसको डिसमेंटल करने के लिए, तो उसमें पेमेंट 10 करोड़ 97 लाख के आसपास पेमेंट हुआ है, मतलब उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट था इतना। और इसमें एलिगेशन ये हैं कि जो भी उसमें स्क्रैप है, आयरन या स्टील या जो भी स्क्रैप है, वो सारे स्क्रैप को कॉन्ट्रैक्टर ले गया है और कोई पेमेंट उसको नहीं किया है। इससे कई करोड़ों का जो स्कैम है और उसके तहत जो गवर्नमेंट एक्सेक्ट करे उसको नुकसान हुआ है, उसकी कंप्लेंट है, तो कंप्लेंट मिली है, उसकी जाँच करेंगे।